नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। आम आदमी पार्टी कन्वीनर दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा 2022 चुनाव से पहले प्रदेश में पार्टी से संबंधित अंदरूनी कानूनी मुद्दों को कानूनी तरीके से हल करने के लिए एडवोकेट विक्रांत राणा पंजाब लीगल विंग स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। नियुक्ति के बाद ही हमारी मीडिया से विशेष बातचीत के दौरान एडवोकेट विक्रांत राणा ने जानकारी देते हुए कहा कि जहां आम आदमी पार्टी के प्रति हर प्रकार की कानूनी सेवाएं देने के लिए मैं पहल के आधार पर खड़ा हो रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी के वर्करों के हकों के लिए और उन्हें इंसाफ दिलवाने तथा कानूनी सलाह देने के लिए दिन रात उनके पक्ष में खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि खासकर जिला कपूरथला में झूठे मामले दर्ज होने और करवाने के काफ़ी मामले सामने आए। कानून की नज़रों में हर एक व्यक्ति बराबर है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या आम इंसान, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे आम इंसान हो, हम सभी के हकों के लिए राखी करने के लिए हर वचन बंद है। वहीं हम सभी के हकों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं। वहीं जॉइंट सेक्रेटरी पंजाब गुरशरण सिंह कपूर ने विक्रांत राणा को पार्टी में लीगल विंग पंजाब जॉइंट सेक्रेटरी नियुक्त करने पर पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करते हुए कहा कि एडवोकेट विक्रांत राणा की नियुक्ति से पार्टी को बल मिलेगा। पंजाब विधानसभा 117 हलकों के चुनावी उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान आने वाली कानूनी मुश्किलों का हल होगा और पार्टी पहले से अधिक मजबूत होगी। आप जिन्हों भी पंजाब का सूबा सकत्र नियुक्त किया गया वा, जिमें कि पंजाब के विक्रांत जी को लीगल एडवाइजर लाया गया पार्टी वालों, कितने देखते हैं? पहले तो मैं विक्रांत राणा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता वा, तो उन्होंने स्वागत करना वा पार्टी, उन्होंने लीगल विंग का स्टेट का जॉइंट सैकटरी लगया गया। देखो विक्रांत जी ने पहले भी समाज प्रति बड़ी सेवावान कीतियां वा, ह्यूमन राइट्स के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है वा, तो साड़ी पार्टी उन्होंने एज ए लीगल विंग के जॉइंट सकत्र आना पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी, जिथे उत्थे ही खासकर कपूरथला हलका तो सारे 117 विधानसभा हलका च जिथे किसी भी कैंडीडेट को कोई लीगल प्रॉब्लम होएगी उत्थे उहदी प्रॉब्लम सोल्व होएगी। कपूरथले लोगों जिहड़ियां भी लीगल प्रॉब्लम्स आंदियां वा वो ये सोल्व करनगे। मैनू लगता वा इहदे नाल पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत होएगी, तो आने वाली इलैक्शन इहदा सानूं बहुत ज़्यादा फायदा मिला गया, तो असीं कपूरथला इलैक्शन भारी वोटां नाल जित्तांगे। विक्रम जी जी गल करिए कि आम पार्टी वालों तुहानू पंजाब दा लीगल जॉइंट सैकटरी नियुक्त किया गया वा, तो की गतिविधियां रहेंगे आने वाले टाइम दे विच पार्टी दे प्रति तुहाडे? देखो सब तो पहले तो मैं नैशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करदा, पूरी पार्टी दे जिहड़े अहुदेदार ने उन्हां दा धन्यवाद करदा, मानयोग साडे जिहड़ा सीएम चेहरा लाने गए ने भगवंत मान जी उन्हां दा, ते पंजाब प्रदा प्रभारी साडे जरनैल सिंह जी दा वी धन्यवाद करदा जिन्हां ने मैनू इस काबल समझिया और मैनू पंजाब दे विच लीगल विंग दे विच स्टेट जॉइंट सैकटरी दा अहुदा नवाजिया। और सब तो पहला मैं तुहानू दसना चाहना कि लीगल मैटर्स ते असीं जरूर काम करांगे। पहले जिहड़े पार्टी दे विच वी कई तरह दे लीगल इशूज आंदे ने, उह मैं पार्टी नूं पूरी तरह अपनियां लीगल सेवावां देवांगा तां कि असीं एक लीगल आस्पैक्ट्स के थ्रू पार्टी नूं स्ट्रोंग बना सकीए। बहुत सारे इशूज़ रहिंदे ने, कई सारियां परमिशन्स तो लैके कई जवाबदेहियां रहिंदियां, जो एक एज ए लॉयर तुसीं बड़े अच्छे तरीके नाल प्रजेंट कर सकते हो। और स्टेट जॉइंट सैकटरी लीगल विंग दा होण दे नाते मैं इस सारे कम्मां नूं पार्टी दे पहली प्रायोरिटी ते दे के करांगा। उहदे नाल दी नाल मैं ये भी कहना चाहना कि जिन्ने भी लोग साडे कोल आम आदमी पार्टी दे चाहे दफ्तर चाहे फोन राही साडे को किसी भी तरह की लीगल सलाह लैणगे, असी उन्हां दे हक्कां दी फंडामेंटल राइट्स की राखी लई ऑलवेज़ दिन रात एक कर देंगे, ता जो जिहड़ी इत्थे बहुत सारिया कंप्लेंट्स आंदियां असी जिले दे विच स्पैशली कपूरथले की गल करिए, असी इत्थे आके देखिया कि लोगों च जिहड़ा रोस है कि साडे ते फेक FIRs बहुत हुंदियां, ते मैं क्रिटिसिजम किसी का भी ना करते हुए यह कहूँगा कि अगर किसी के कोल भी अगर कोई झूठी FIRs इदा दीज़ा आदि हैं वो साढ़े नाल जरूर संपर्क करन और वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन। हर बंदा लॉ की नज़र च बिल्कुल बराबर है, चाहे वह देश के प्रधानमंत्री साहब हो या नॉर्मल नागरिक होवे, असी सारे दी हकों की राखी करन लई जरूर वचनबद्ध आ। देखो पार्टी के वलों तो ऑलवेज समाज हितों के कामों
जागरूकता लोगों को करी जा रही है। ठीक है, जिते चाहे वह एजुकेशन सैक्टर हो, चाहे मैडिकल सैक्टर हो, चाहे इंप्लॉयमेंट सैक्टर हो, बट जदों गवर्नमेंट फुल फ्लैज इन्हों की फॉर्म हो जाएगी आम आदमी पार्टी की, उदों ये सारे इशूज़ से एक्शनस लिते जाएंगे, जिन्हों कह दें एग्जीक्यूशन एजेंसी सैटअप कीतिया जाएंगी, ताकि जेड़े भी चोण मैनीफेस्टो या जनरल लोगों के नाल गल्लां कीतियां भी जा रही वा, वादे भी किए जा रहे हैं, वो 100% पूरे किए जा।